जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी चले हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नफरत है जो धर्म के नाम पर फैलाई जा रही है, जात के नाम पर फैलाई जा रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, इस प्रकार की नफरत का जो वातावरण है उसको ध्वस्त करने के लिए राहुल जी ने जो यात्रा चलाई है उसका हमने स्वागत किया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का युवा इन बातों से भलीभांति परिचित है कि किस प्रकार से यहाँ बेरोजगारी की मार है, युवाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है सरकारों द्वारा। माहौल जब हमने देखा तो हमने समझा कि इस तरीके से जो युवा टूट रहा है, PhD करके आज सड़कों पर लाठी खा रहा है, पेड़ों को काटकर भारी संख्या में काटकर यहाँ इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। ऑलरेडी जो इंडस्ट्री इन्होंने सेटअप की है वो तो बंद पड़ी हुई है, फिर हमारे एनवायरनमेंट को भी खराब करके किस तरीके की डेवलपमेंट के आप स्लोगन देंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि पेड़ों में परमात्मा का वास है और दूसरी तरफ हमारे पेड़ों को काटे जा रहे हो लाखों की संख्या में, तो इस तरीके का एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस जो क्रिएट किया जा रहा है ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, और इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जो नफरत का वातावरण है वो हटेगा और नया सूरज निकलेगा। जिस तरीके से राहुल जी ने पैगाम दिया कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहे हैं, उस प्यार को लेके आज कन्याकुमारी से कश्मीर आए हैं, स्वागत है, और यकीनन इससे प्यार का माहौल बनेगा और बेसिक इश्यूज पर बात होगी नफरत को छोड़ के। इस यात्रा को सफल बनाइए ताकि हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य सुनहरा और उज्जवल हो।